स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्यम त्यागी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मिलिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मिलिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, एसेसरीज एंड अटैचमेंट, वर्क होल्डिंग डिवाइस, कटर होल्डिंग डिवाइस और मिलिंग के मेथड। तो ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, जैसे इतने सारे टॉपिक हैं तो इनमें से कुछ टॉपिक हम अगली वीडियो में भी कवर करेंगे, लेकिन उनके जो सब पार्ट हैं वो आज की वीडियो में जितने सारे टॉपिक लिखे हम सारे के सारे ये कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिलिंग की डेफिनेशन। तो मिलिंग आखिरकार है क्या? तो जैसा कि डेफिनेशन में लिख रहा है, मिलिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच मैटर इज रिमूव्ड बाय मीन्स ऑफ ए रिवॉल्विंग कटर विद मैनी टीथ, ईच टूथ हैविंग अ कटिंग एज विच रिमूव्स मैटर फ्रॉम द वर्क पीस। यानी इस लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का मतलब है मिलिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है। एक क्या है? मशीनिंग प्रोसेस, जिसमें मेटल को रिमूव करा जाता है। किसकी मदद से? एक रिवॉल्विंग कटर की मदद से, जिस पे बहुत सारे टीथ होते हैं और जो ये टूथ होते हैं, टीथ होते हैं, इनकी कटिंग एज होती है जो मेटल को रिमूव करने को मदद करती है वर्क पीस से। तो एक बार दो डेफिनेशन पढ़ते हैं इन पॉइंटों के साथ। मिलिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच मेटल इज रिमूव्ड बाय मीन्स ऑफ ए रिवॉल्विंग कटर विद मैनी टीथ ईच टूथ हैविंग अ कटिंग एज विच रिमूव मेटल फ्रॉम द वर्क पीस। तो फिर इसकी डेफिनेशन हो गई है क्या है, एक ऐसी मशीनिंग प्रोसेस होती है जिसमें मेटल को रिमूव करा जाता है कटर की मदद से, जिसमें बहुत सारे टीथ होते हैं और हर टूथ की एक कटिंग एज होती है जो मेटल को रिमूव करने में मदद करती है वर्कपीस से। तो देखते हैं मिलिंग का प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, यानी मिलिंग किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो मिलिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी मिलिंग किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो हम वो देखते हैं। तो यह है मिलिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें फ्लैट, यानी कि फ्लैट को बोलेंगे प्लेन, यानी कि फ्लैट या प्लेन सरफेस या कर्व सरफेस बनाई जाती है। किसकी मदद से? रोटेटिंग मल्टी एज कटिंग टूल की मदद से, जिसे कटर कहते हैं। यानी क्या है? मिलिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच फ्लैट एज वेल एज कर्व सरफेस, जिसमें फ्लैट भी और कर्व सरफेस दोनों बनाई जाती है, जनरेट करी जाती है। किसकी मदद से? रोटेटिंग कटिंग टूल मिलिंग कटर, और वो मल्टी एज होता है। यानी क्या है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि मिलिंग में, मिलिंग का जो कटर होता है, यानी मल्टी एज कटिंग टूल होता है, उसकी मदद से फ्लैट या कर्व सरफेस बनाई जाती है। तो मिलिंग के जो वर्किंग प्रिंसिपल है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन क्या है? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन वो होती है जिसमें टूल जो रोटेट करता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करता है और इसमें फीड कंटिन्यूसली होती है। ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा टूल है, ये टूल हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और इसकी वजह से ये इसे काटता हुआ आगे को चला जाएगा। वर्टिकल मिलिंग मशीन क्या है? वर्टिकल मिलिंग मशीन में जो टूल होता है वर्टिकल स्पिंडल पे होता है और स्पिंडल जब रोटेट करती है इसकी वजह से फीड मोशन दिया जाता है वर्कपीस को, टूल कटता है। यानी कि क्या है, ये हमारी वर्टिकल स्पिंडल है, इस पे यहीं कोई टूल लग रहा होगा, ये टूल हमारा अंदर है, मतलब जा चुका है। अब ये मशीन जब यूं रोटेट करेगी, रोटेटिंग एक्शन है, तो ये टूल हमारा घूमता हुआ और हम फीड देने वर्कपीस को हमारा काट देगा। तो इस वीडियो में हमने अभी तक मिलिंग की डेफिनेशन और प्रिंसिपल देखा है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये रहे मिलिंग के क्लासिफिकेशन। तो मिलिंग के नॉर्मली चार टाइप में क्लासिफाई करा गया है। क्लासिफाई किस बेस पे किया जाए? मशीन बेड पे, टेबल पे, स्ट्रक्चर पे, स्पेसिफिकेशन पे, टूल्स पे, इन सब के आधार पे इसे क्लासिफाई करा गया, यानी बांटा गया है। तो सबसे पहले कौन कौन से चार हैं? एक है कॉलम एंड नी टाइप, फिक्स बेड, प्लानर और स्पेशल मिलिंग। कॉलम एंड नी टाइप के चार टाइप होते हैं, हैंड मिलिंग वो पाँच टाइप होते हैं, सॉरी हैंड, प्लेन, यूनिवर्सल, ओमनिवर्सल और वर्टिकल। इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, कॉलम और टी में वही है कि एक तरफ कॉलम होता है जिसमें वी कोन पुली होती है और एक तरफ नहीं होते जिसमें हमारा सैडल और टेबल वर्कपीस होता है। इसमें हैंड मिलिंग में क्या होता है, हम हैंड से रोटेट फीड देते हैं, प्लेन में वो प्लेन होता है, यूनिवर्सल में एंगल सेट हो जाता है। इसके बारे में हम जो क्लासीफाई है, इसमें जो मेन है वो एक है हमारा कॉलम और कॉलम में मेन है हमारा हैंड और यूनिवर्सल। तो इनके बारे में अगली वीडियो जो आएगी मेरी, उसमें इसे पूरा क्लासिफाई करा जाएगा, इसे अच्छे से बताया जाएगा कौन कौन से पार्टों से मिलकर बना है और कैसे कैसे काम हो रहा है। अभी के लिए पाँच नंबर में पिछले साल एक क्वेश्चन था कि क्लासिफाई द मिलिंग मशीन। तो क्लासिफाई करने के चार टाइप्स हैं इसके, मतलब किन किन बेस पे किया गया, टेबल पे,
फीड पे, स्पिंडल पे, एक्शन पे, इन सब पे, और कौन कौन से हैं, कॉलम एंड नी टाइप, फिक्स, प्लेनर और स्पेशल। कॉलम में 5 हैं, हैंड, प्लेन, यूनिवर्सल, ओमनिवर्सल, वर्टिकल। फिक्स में 3 हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। फिक्स में क्या होता है कि फिक्स में टेबल फिक्स रहती है, हमारा जो वर्टिकल स्पिंडल है वो मूव करता है, यानी कि जो हमारा कटर है वहाँ वर्टिकल स्पिंडल से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होता है। इसके बारे में भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। पहले कॉलम की आएगी, फिर उसके बाद फिक्स की आएगी, फिर है प्लेनर, प्लेनर हमारा सिंपल होता है, फिर स्पेशल पर्पस मशीन। इसमें 4 होते हैं, रोटरी टेबल, ड्रम, प्लेनेटरी और पेंटोग्राफ। ये टेबल के स्पेसिफाई होता है। तब देखते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन किस चीज़ की क्या होती है। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है यानी कि उसकी जो डायमेंशन है, पैरामीटर है, या किस चीज़ से वो स्पेसिफाई हो रही है मशीन। तो मिलिंग मशीन किस किस चीज़ों पे स्पेसिफाई हो रही है, तो मिलिंग मशीन टोटली 10 चीज़ों पे स्पेसिफाई हो रही है। वो कौन कौन सी है, पहला है मिलिंग का मशीन क्या है, कैसी मशीन है, टाइप ऑफ मशीन पे, उसका मोशन कैसा है, प्राइमरी फीड मोशन कैसा है, एफिशिएंसी कैसी है, मैक्सिमम साइज ऑफ वर्कपीस, मैक्सिमम साइज ऑफ टूल, मशीनिंग एक्यूरेसी, टेबल साइज, पावर कितने ट्रांसफर्स कर रहा है, और मिसलेनियस एक्शन यानी कि जो ज़्यादातर एक्शन होते हैं उन पे। तो 10 तरह से स्पेसिफाई है। जितने हमने टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी तक, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, 5-5, 10-10 नंबर में आते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो स्पेसिफाई में पहला है टाइप ऑफ मशीन। तो टाइप ऑफ मशीन में वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नी टाइप मिलिंग मशीन। प्राइमरी मोशन कैसा होता है, रोटरी होएगा, क्योंकि जब कटर हमारा काम कर रहा है तो रोटरी पे कर रहा है, चाहे वर्टिकल में चाहे हॉरिजॉन्टल में, जैसे हमने पहले देखा, तो रोटरी पे होएगा। एक्सिस कैसे हो सकती है उसकी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। स्पीड कितनी होएगी, 20 से 500 आरपीएम तक की स्पीड होएगी इसकी प्राइमरी मोशन की। फीड मोशन क्या है, जो हम कटर की फीड दे रहे हैं, कंटिन्यूस फीड देंगे। रेंज ऑफ फीड होएगी हमारी 0.2 से 8.5 मीटर एमएम पर मिनट। एफिशिएंसी कितनी है मिलिंग मशीन की, 50% होएगी लगभग, इससे ज़्यादा होएगी नहीं तो 50% होएगी, क्योंकि वर्सेटाइल मशीन होती है मिलिंग हमारी। वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी, यानी बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इस पर जो ऑपरेशन होता है, फाइनल ऑपरेशन होता है, यानी कि जब जो बिल्कुल हर तरह से प्रिपेयर हो जाती है, जब मिलिंग पे से ला के फाइनल ऑपरेशन करा जाता है। मैक्सिमम साइज क्या है वर्क पीस का जो मिलिंग पे लग सकता है, लेंथ 915 mm से कम और डाया 250 mm से कम। मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है टूल का जो मिलिंग पे लगेगा, 150 से 250 mm डाया, जो टूल हमारा लग रहा है, कटिंग टूल लग रहा है, चाहे वो हमारा ड्रिल लग रही हो, कोई कटर लग रहा हो, या फिर कोई एंगुलर कटर लग रहा हो, जैसा भी कटर लग रहा हो, उसका जो डाया होएगा वो 150 से 250 mm तक के बीच का रहेगा। मशीनिंग एक्यूरेसी कैसी रहेगी, 0.76 mm, यानी कि जो मशीनिंग की एक्यूरेसी है, यानी कि अगर वो कुछ कट कर रहा है इस वर्क पीस में से, और उसकी जो टॉलरेंस है या जो लिमिट है वो है 0.076 mm, यानी 1 mm में भी कितना कम, यानी हाई एक्यूरेसी होती है इसकी। टेबल साइज कितना है इसका मिलिंग का, 1100 mm लेंथ है और 310 mm वाइड है, यानी टेबल साइज जिस पर हमारा वर्क पीस होल्ड होएगा। और वर्क पीस देखिए लेंथ इसकी कितनी है टेबल साइज की, 1100, और वर्क पीस की लेंथ कितनी है, 915। इसकी टेबल साइज की विड्थ कितनी है, 310, और इसकी डाया कितना है, 250। तो ये कमी होएगा वर्क पीस जब हमारे टोटल टेबल पे आएगा, क्योंकि टेबल में हमारी जो है टेबल पे हमारा वॉइस होएगा, तो वॉइस के रेंज के अनुसार आएगा। वॉइस भी अलग अलग तरह के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। है आगे पावर ट्रांसफर, यानी कितनी पावर ट्रांसफर कर रहा है, ये 650 mm पावर ट्रांसफर कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली, 235 mm पावर ट्रांसफर कर रहा है क्रॉस में, और 420 mm पावर ट्रांसफर कर रहा है वर्टिकल में। मिसलेनियस यानी बहुत तरह से कैसे हम नाप सकते थे, स्पिंडल की स्पीड पे क्लास स्पेसिफिकेशन हो सकता है, नंबर ऑफ फीड पे हो सकता है, वेट पे हो सकता है, फ्लोर एरिया पे हो सकता है, और भी बहुत तरह से हो सकता है। तो यानी कि स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आते हैं, किन किन आधारों पर वो मशीन स्पेसिफाई करी गई, यानी क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो मशीन का टाइप क्या है, प्राइमरी मोशन कैसा है, फीड मोशन कैसा है, एफिशिएंसी कितनी है, वर्क पीस का मैक्सिमम साइज कितना है, टूल का मैक्सिमम साइज कितना है, मशीन की एक्यूरेसी कितनी है, टेबल साइज कितना है, पावर कितने ट्रांसफर करना है, मिसलेनियस सेक्शन कितने हो सकते हैं। फिर मैं देख लिया, एक बार दवाई क्लासिफाई देखते हैं। 4 तरह पे क्लासिफाई होता है, मतलब क्लासिफाई ऑन द टाइप फॉर बेस, कॉलम एंड नी टाइप, फिक्स बेड, प्लेनर और स्पेशल मेन। फिक्स में वो कॉलम में आते हैं 5, हैंड, प्लेन, यूनिवर्सल, ओमनिवर्सल, वर्टिकल। फिक्स में आते हैं 3, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, और स्पेशल में आते हैं रोटरी, ड्रम, प्लेनेटरी और पेंटोग्राफ। तो अब देखते हैं एसेसरीज एंड अटैचमेंट। एसेसरीज एंड अटैचमेंट का मतलब क्या है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें अटैच करना मिलिंग मशीन में, या कुछ ऐसे एसेसरीज लगाना जिससे उसका जो ऑपरेशन है
वो हाई हो जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए, डिजायर आउटपुट मिले और हमारा काम अच्छे से हो जाए। तो उनमें जो जो अटैचमेंट लगाते हैं, एसएसडी लगाते हैं, तो वो दो तरह के लगाते हैं, एक है वर्क होल्डिंग डिवाइस, एक है कटर होल्डिंग डिवाइस। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस में है वाइस लगा सकते हैं, वाइस भी अलग अलग, हैंड वाइस, लेग वाइस, प्लेन वाइस, एंगुलर वाइस, यूनिवर्सल वाइस, स्वाइल वाइस, ये अलग अलग टाइप्स की होती हैं। टी बोल्ट लगा सकते हैं, एंगल प्लेट लगा सकते हैं, वी ब्लॉक लगा सकते हैं वर्क होल्ड करने के लिए। कटर होल्डिंग डिवाइस में आर्बन लगा सकते हैं, कोलेट्स लगा सकते हैं, एडेप्टर लगा सकते हैं, बोल्टेड एंड स्क्रू ऑन कटर लगा सकते हैं। इनके जो टाइप हैं ये याद करने हैं, इन्हें ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है क्योंकि पेपर में इनके टाइप्स पूछे जाएंगे, डिटेलिंग नहीं पूछी जाएगी। डिटेलिंग पढ़नी है तो मुझे कमेंट लिख देना, मैं डिटेलिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। हमें मिलिंग के मेथड, मिलिंग के जो मेथड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है कन्वेंशनल मिलिंग, दूसरी है क्लाइम मिलिंग। कन्वेंशनल मिलिंग को बोलते हैं अपकट मिलिंग और क्लाइम मिलिंग को बोलते हैं डाउन कट मिलिंग। इसे अप मिलिंग और डाउन मिलिंग भी बोला जाता है। पेपरों में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डाउन मिलिंग एंड व्हाट इज अप मिलिंग, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं कॉलम एंड नीट टाइप मिलिंग, हॉरिजॉन्टल मिलिंग, ऐसी वर्टिकल मिलिंग। तो इनमें ये कन्वेंशनल मिलिंग और वो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग क्या है? तो अप मिलिंग क्या है, जिसमें जो वर्क है वो अगेंस्ट होता है रोटेशन ऑफ कटर के। यानी कि देखिए, ये हमारा कटर यूं घूम रहा है और हमारा वर्क पीस इधर आ रहा है, तो इसमें वर्क की डायरेक्शन हमारी इस साइड है, कटर की डायरेक्शन हमारी इस साइड है, तो यानी कि अगेंस्ट में है। अप मिलिंग है यानी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ आ रहा है। क्लाइम मिलिंग में क्या होता है, डाउन मिलिंग, यानी कि इसमें जो वर्क है, इसकी जो वर्क की फीड है वो इन डायरेक्शन होती है रोटेशन ऑफ कटर से, यानी हमारा कटर भी ऐसे रोटेट कर रहा है और हमारा वर्क भी इधर की ओर जा रहा है, तो यानी कि नीचे की ओर होता हुआ जा रहा है, तो इसे बोलते हैं डाउन मिलिंग। और मॉडर्न जितनी भी मिलिंग मशीन आती हैं उनमें अधिकतर डाउन मिलिंग या क्लाइम मिलिंग का यूज होता है। तो आज की वीडियो में हमने मिलिंग देखा, उसकी डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, अटैचमेंट, इनमें टाइप्स थे वर्क होल्डिंग और कटर होल्डिंग डिवाइस और मिलिंग मेथड। जो क्लासिफिकेशन की अगली वीडियो आएगी उसमें हम कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन के बारे में देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये कैसे काम कर रहा है और क्या क्या वर्किंग है और कौन कौन से मटेरियल से इसके ये पीस बने हुए हैं। तो फिर मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना, अटैचमेंट और स्पेसिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, ये 100% जरूर आएंगे। मिलिंग से कम लगभग से लगभग 30 नंबर का पेपर जरूर आएगा, गारंटी से आएगा। और बाकी मिलिंग के वो बाकी एमटी के ऊपर मेरी एमटी थर्ड के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हमने मॉडर्न मशीनिंग मेथड देखे हुए हैं, लेजर बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, ऐसे हमने 5 मेथड देखे हुए हैं। तो उस वीडियो को जाकर देखें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।